प्यार में किस हद तक जाना सही है और कहाँ स्टॉप होना चाहिए। एक लड़की अपने से बड़े उम्र के आदमी से प्यार करती है, ये प्यार उसका ऑब्सेशन बन जाता है। आज की हमारी स्टोरी सेल्फ लव, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इन सब बारे में बातें करती है। इसने एक सीरियस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अभी नेक्स्ट तरीके इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर, इसका नाम है सीओलो, ये बहुत ही डिस्टर्ब थे। आज ही उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, उसकी सब चीजें फेंक कर वो अपना गुस्सा निकाल रही थी। ये सब चल रहा था तभी उसे ऑनलाइन किसी का मैसेज आया, एक स्ट्रेंजर था। वहां से कहता है, मैंने सुना कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। सीएलओ कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हार्ट ब्रोकन हूँ। वहां से वो स्ट्रेंजर कहता है, हार्ट ब्रोकन और ब्यूटीफुल। सीएलओ कहती कि हाँ। स्ट्रेंजर ने कहा, तो कन्फर्म हो गया कि तुम ब्यूटीफुल हो। इस पर सीएलओ स्माइल करती है और इसी तरीके से हमारा स्ट्रेंजर और सीएलओ इन दोनों के बीच में बातचीत। सीएलओ उसके बारे में हमें बताती है, कहती है मैं नॉर्मल नहीं हूँ, उसके स्कूल में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, वो हमेशा से बहुत सेल्फ सफिशिएंट थी। जब वो 18 साल की हुई तो अकेली सिटी में मूव हो गई थी, वही उसने अपने आप को बर्बाद किया था। पर सीएलओ ने हमसे कहा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सीएलओ उसके पेरेंट्स की फर्स्ट बेटी थी, इसके बाद बहुत सालों बाद उन्हें ट्विंस हुए थे, इसी वजह से सीएलओ एज अ ओनली चाइल्ड उन्होंने रेज किया था। उसे जो भी चाहिए होता था यह सब उसे दे देते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। इसी वजह से सीएलओ को रिस्ट्रिक्शंस थे, उसका ज्यादा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं था, उसे अपने लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स थे। जैसे हमें पता है कि उसे लगता है कि वो अजीब है, इसी वजह से अपने पेरेंट्स से वो बात करती है। कहती है मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। सभी इंडियन पेरेंट्स की तरह ये दोनों भी इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। सीएलओ और स्ट्रेंजर इन दोनों के बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशन ऑनलाइन ही स्टार्ट हो गई। इसके साथ बात कर सीएलओ को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन स्ट्रेंजर सीएलओ से पूछता है, क्या तुम मेरे ग्रुप से मिलना चाहते हो, ये सब लोग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएलओ उससे पूछती है, अगर एक जगह पर तुम्हारा ग्रुप टूट रहा है और दूसरी जगह पर मैं हूँ, तुम किसको चूज करोगे। स्ट्रेंजर कहता है, ऑफकोर्स तुम्हें चूज करूंगा, सिर्फ मुझे तुम्हें बचाना है, पूरे ग्रुप को मैं नहीं बचा सकता। सीएलओ कहती है कि उसे अपने स्कूल में ज्यादा मजा नहीं आता, उसे स्कूल बदलनी है। स्ट्रेंजर कहता है, तो बदल डालो। ये सीएलओ के लिए हार्ड था, तो कहता है जो चीजें हम लाइफ में करते नहीं यही हमारी बिगेस्ट रिग्रेट बन जाती है। सीएलओ ने अपने पेरेंट्स से कहा पर फिर भी वो माने नहीं, उसने फिर स्कूल जाना ही बंद कर दिया। उसे न्यू स्कूल में उन्हें डालना ही पड़ा, वो होपफुल थी कि स्कूल में उसकी फ्रेंड्स बनेंगी, वो अकेली नहीं रहेगी। पूरी क्लास में उसे कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, दो तीन लड़कियों का ग्रुप था जो अपने ग्रुप में किसी को भी नहीं लिया करती थी। एक दिन सीएलओ ने उन्हें आंसर करने में हेल्प की तो वो भी उनकी फ्रेंड बन गई। एक दिन स्ट्रेंजर सीएलओ से पूछता है, क्या तुम मेरे ग्रुप और मुझसे मिलोगी। सीएलओ इस पर हाँ कहती है। यही बात वो ब्रेकफास्ट पर अपने पेरेंट्स से पूछ रही थी, उसके पेरेंट्स उसके लिए वरीड थे ऐसे कैसे वो ऑनलाइन मिले हुए स्ट्रेंजर से मिल सकती है। सीएलओ कहती है ये बहुत ही नॉर्मल है, वो जल्दी घर भी आ जाएगी। मदर और फादर ने दोनों मिलकर इसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। फादर सीएलओ से बहुत प्यार करते थे तो सीएलओ ने उसे मना लिया कि प्लीज मदर को भी समझाओ। मदर मान तो गई पर सीएलओ जहाँ जा रही है उसके साथ मदर भी आती है। इस कैफे में आने के बाद मदर ने सब लोगों को देखा कि वो किस तरह से है, उसे सेफ लगा, उसके बाद वो चली जाती है। ये सारा ग्रुप सीएलओ को वेलकम करता है। थोड़ी देर में हमारा स्ट्रेंजर जिसका नाम है अलेहो ये भी वहां पहुंचा। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इनमें बहुत ही स्ट्रांग केमिस्ट्री थी, पूरे वक्त ये सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे थे। थोड़े टाइम में सीएलओ के जाने का टाइम हो गया, अलेहो उसके पास आया, उसके नेक पर किस करता है। इस किस का नाम उसने स्वीट किस रखा हुआ है, उनके कन्वर्सेशन में भी बहुत बार उसने यूज किया था। यहाँ पर सीएलओ की मदर उसे पिकअप करने के लिए फिर से वापस आ गई तो उसे उसके साथ जाना पड़ता है। सीएलओ हमसे कहती है वो मुझसे 10 साल बड़ा था पर बिना किसी रीजन के मैं उसके प्यार में बहुत ही हार्ड पड़ी। सीएलओ बिलीव नहीं कर पाती, अलेहो इतना हैंडसम है पर फिर भी उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं। उसे लिखती है दिन रात वो उसके बारे में सोचती रहती है, वो उसे फिर से मिलना चाहती थी। इन्होंने मिलने के लिए एक जगह डिसाइड की, उसने पेरेंट्स से कहा कि मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, रात भर वो वहीं रुकेगी। फिर वो अलेहो से मिली, वो उससे पूछता है कि कहाँ जाना है, वो कहती है तुम्हें जहाँ ठीक लगे वही लेकर चलो। ये गाड़ी में बात करते है, अलेहो पूछता है क्या कुछ अर्जेंट था, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी। सीएलओ कहती है मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी। इसके बाद अलेहो सीएलओ को उसके फ्रेंड के घर पर लेकर आया, उसे पूछता है या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सीएलओ हाँ कहती है, उसने फिर पूछा क्या तुम मेरी वुमन बनोगी। सीएलओ पूछती है इसमें डिफरेंस क्या है। अलेहो उसे किस कर लेता है, उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे बेडरूम में लेकर गया। अब वो इंटीमेट होने वाले थे तभी सीएलओ उसे रोक लेती है,
ये उसका फर्स्ट टाइम है तो वेट करना चाहती है। अलेहो भी इस बात को समझ लेता है। इसके बाद ये दोनों कंटिन्यूसली मिलने लग गए। सीलो को अलेहो की कंपनी अच्छी लगती थी, वो हमेशा उसे स्कूल के बाद लेने के लिए आया करता था। अलेहो ने उससे कहा था किसी को भी पता ना चले कि उसके साथ रिलेशनशिप में है, एक बड़ा ट्रबल हो सकता था। ये एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, मेकआउट करते थे, पर कभी भी इंटीमेट नहीं हुए। एक दिन सीएलओ की मदर ने उसका रूम चेक किया। लेहो के बारे में सीएलओ हमेशा लिख कर रखती थी, उनके बीच में क्या क्या हुआ है ये सब कुछ उसके डायरी में था। ये मदर ने पढ़ लिया और उसके साथ बात करती है, कहती है ये अलेहो कौन है। सीएलओ कहती है कि मैं मेरी बुक पर काम कर रही हूँ, उसी का कैरेक्टर है। मदर को इस बात पर बिलीव नहीं हुआ, कहती है अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ तुम घूम फिर सकते हो, तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, पर कभी भी उसके साथ इंटीमेट मत होना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोनों मेकआउट कर रहे थे। सीएलओ कहती है कि अब मैं रेडी हूँ। अलेहो ने उससे कहा था कि उसे हर्ट नहीं होगा, ये झूठ था, बस सीएलओ इस पर बिलीव करती है। उससे कुछ भी कहता फिर भी वो मान जाती क्योंकि उसके बहुत ही ज्यादा प्यार में थी। एक दिन इंटीमेट होने के बाद वो उसे कह भी देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा टैटू भी बनवा सकती हूँ। उसने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अलेहो मजाक मजाक में ना कह देता है। एक दिन सीएलओ अपने फ्रेंड्स के साथ थी, सारी फ्रेंड्स अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी। सीएलओ ने भी अपनी रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद उसकी फ्रेंड उसे हेट करने लग गए, उन्हें लगा कि सीएलओ एक अच्छी लड़की नहीं है। वो बहुत ही अकेली पड़ चुकी थी तो अलेहो से बात करना चाहती थी, पर अलेहो कहता है मुझे हर रोज बात करने के लिए टाइम नहीं होता, मेरी जॉब है तो मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, हम अलग अलग सिटी में रहते हैं तो रोज मिल भी नहीं सकते। अलेहो ने दो दिन तक उससे बात नहीं की तो सीएलओ ने उसे बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भेजे हुए थे। उसे उस पर गुस्सा हो गया, कहता है ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें अकेला रहना सीखना पड़ेगा, अगर किसी काम से मुझे कहीं जाना पड़ा तो तुम क्या करोगी। सीएलओ कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सब अलेहो को सही नहीं लगता। इन बातों से सीएलओ बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी। इनमें प्रॉब्लम्स तो थी पर फिर भी इनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू हुई। एक दिन सीएलओ अलेहो से पूछती है अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम क्या करोगे। अलेहो कहता है तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, और हुई भी तो फिर भी वो कुछ भी नहीं करेगा। सीएलओ की एक्सपेक्टेशन थी कि अलेहो उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे शादी करेगा। वो गुस्सा होकर उसे कहती है कि मैं तुमसे जिस तरीके से प्यार करती हूँ तुम्हें भी उसी तरीके से मुझसे प्यार करना चाहिए। इन सब चीजों को अलेहो पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। एक दिन गुस्से में सीएलओ ने उसे मैसेज किया जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, तुम्हारी तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं दिखाते जो सही नहीं है। इसके बाद अलेहो ने उसे कोई भी मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। सीओ को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो अलेहो को कॉल करती है, उसे सॉरी कहती है, पर अलेहो मानता नहीं, कहता है तुमने ही मुझसे ब्रेकअप किया है। एक रात बहुत बारिश हो रही थी, वैसे ही सीओ उसके पास आई, अलेहो उसके लिए डोर भी नहीं खोलता। सीओ कहती है कि मैं बहुत सॉरी हूँ, उससे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें खोना नहीं है। वो उसका बहुत टाइम तक वेट कर रही थी पर लास्ट तक अलेहो ने डोर ही नहीं खोला। सीएलओ 18 साल की हुई, उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे तो बहुत बड़ी पार्टी उसने की, इसमें अलेहो को भी उसने बुलाया था पर वो नहीं आया। उसे आजकल कुछ भी सही नहीं लगता, वो लिटरली मरना चाहती थी। सब चीजों को लेकर वो इनसिक्योर हो गई थी, स्पेशली अपनी बॉडी। वो फिर खाना खाकर उसकी उल्टी कर देती थी जिससे उसका वेट ना बढ़ पाए, उसे अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी। अब अलेहो से ब्रेकअप किए हुए उसे 1 साल हो चुका है, वो अब रह नहीं पाई। एक दिन अलेहो के घर पर पहुंच गई, वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीएलओ कहती है 1 साल हो चुका है, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। ये दोनों फिर किस कर लेते हैं, तभी अलेहो की गर्लफ्रेंड आ गई। सीएलओ अलेहो को कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि उसके लिए तुमने मुझे छोड़ा। उसे कुछ भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, वो दिन भर एक ही जगह पर पड़ी रहती थी। उसे स्कूल में ऐसे लिखने के लिए कहा गया जिसमें उसने लिखा उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ये उसका ऐसे बहुत ही डिप्रेसिंग था जिसमें अलेहो के बारे में उसने सब कुछ लिखा था। उसकी टीचर उसे कहती है तुम्हें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, जाती है तुम्हें कोई ना कोई तो चीज अच्छी लगती होगी जैसे जर्नलिज्म है, राइटिंग है। इस पर सीएलओ ने भी सोचा। सीएलओ ने इसके बाद पूरी तरीके से फूड छोड़ दिया, वो कुछ भी नहीं खाती थी, वो सिर्फ जिंदा रहे इसके लिए सप्लीमेंट लिया करती थी। जिस तरीके से सीएलओ करती है उसी तरीके से और भी लोग होते हैं, इन्हें बुलिमिक कहा जाता है। सीएलओ ने फिर इन्हीं लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई जिनसे वो बातें कर सके। उसे लगता था इससे अपना गोल अचीव कर पाएगी जो है परफेक्ट बॉडी। अभी भी हम देख सकते हैं सीएलओ और अलेहो ये दोनों मिलते रहते हैं। एक दिन सीएलओ जब अलेहो के पास आए तो उसका सारा सामान घर से निकल चुका था। उसने उससे पूछा तुम जा कहाँ रहे हो। अलेहो कहता है मेरी एक फ्रेंड को मेरी जरूरत थी तो उसी के साथ मैं अब रहने वाला हूँ। सीएलओ इस पर बहुत चिढ़ गए। सीएलओ उससे पूछती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या।
कहता है उससे मैंने ब्रेकअप कर लिया है। सियोलो इस पर बहुत चिढ़ गई। उसे एक्सपेक्टेड था कि वो अलेओ के साथ रहेगी, पर अलेओ खुद किसी और के साथ जाकर रहने वाला है और वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा कोई और है। उसे बोलती है कि मैं बुलिमिक हूँ, यानी कि वो खाकर उल्टी कर देती है। अलेओ कहता है ये सब घटिया चीजें बंद कर दो। सियोलो डिस्टर्ब थी तो अलेओ के नाम का टैटू करवा लेती है। एक दिन सियोलो ने अलेओ को कॉल किया, पर यह कॉल अलेओ की फ्रेंड ने उठाया। सियोलो सुनती है कि अलेओ उसे बता रहा था कि उसे इग्नोर कर दो। जिस तरीके से हमेशा अलेओ उसे इग्नोर करता है, उसी तरीके से इस बार सियोलो उसे इग्नोर करती है। उसका कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल का जवाब नहीं देती। एक दिन फिर अलेओ ही उससे मिलने के लिए आया। रात में दोनों इंटीमेट हो रहे थे, तभी अलेओ स्टॉप हो गया। कहता है मैं अब तुमसे अट्रैक्टेड नहीं हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा स्किनी हो चुकी हो। इसी मोमेंट पर अलेओ की फ्रेंड भी घर आ गई। सुबह होने पर हम देखते हैं सियोलो, अलेओ और उसके फ्रेंड ये सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सियोलो को रियलाइज हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। ये उसके लिए अनकंफर्टेबल था। वो फिर एक बच्चे की आवाज सुनती है। ये बच्चा अलेओ और उसके फ्रेंड का था। ये सिचुएशन बहुत ही वियर्ड थी। अलेओ का अपने फ्रेंड के साथ एक बच्चा है और उससे के घर में रहता है। ये सब होने के बावजूद एक ओपन रिलेशनशिप है। सियोलो 18 ईयर्स की थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं था। वो सिटी में अपने फ्लैट में रहने लग जाती है। एक दिन जब वो अलेओ के साथ थी तो उसे कहती है कि तुम अब मेरे साथ आकर रह सकते हो, तुम्हें उसके साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अलेओ कहता है कि मैं नहीं कर सकता। सियोलो इस पर गुस्सा होके वो चाहती थी कि उसके फ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर ले। अलेओ कहता है तुम बुरी तरीके से पागल हो, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। वो यहाँ उसके साथ फिर से ब्रेकअप कर चला जाता है। सियोलो कुछ भी खाती नहीं थी तो उसे साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। एक दिन स्कूल में चक्कर आकर वो नीचे गिर गई। उसके पेरेंट्स को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया। उसे समझाते हैं तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल आना चाहिए। सियोलो इस पर मना कर रही थी। जैसे सब कुछ चल रहा है उसी तरीके से चलने देना चाहती है। उसने पूरी तरीके से रेजिस्ट किया, उसके पेरेंट्स माने नहीं। उसे समझाते हैं तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सियोलो ने कहा कि जब से मैं 15 साल की थी तब से बता रही हूँ मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, पर आपने मुझे कोई भी हेल्प नहीं की। सब चीजों के लिए अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम करती है। उसके पेरेंट्स उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कहते हैं तुम अकेली रह सकते हो पर हर रोज तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल आना पड़ेगा, अपने आप का सही से ख्याल रखना पड़ेगा। उसे लगा कि उसका पूरा फ्रीडम चला जा चुका है। वह इसे नॉर्मल खाना खाने का ट्राई करती है पर खा नहीं पाती। उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा। नॉर्मल की लाइफस्टाइल से सियोलो फिर से तंग आ चुकी थी। वो डायरेक्टली घर से ही भाग गए, अपने एक फ्रेंड के साथ रहने लग गए। वो ड्रंक होती थी, कुछ भी खाती नहीं थी। इसी तरीके से अपना लाइफस्टाइल उसने कंटिन्यू किया। वो फिर से अलेओ को मिलने के लिए गई। अलेओ कहता है तुम्हारे पेरेंट्स अभी अभी तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आए थे, यहाँ से तुम चली जाओ। सियोलो मान नहीं रही थी, कहता है जल्दी से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। एक दिन अलेओ को याद किए हुए वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। उसने नाइव्स ली और अपने आप को कट कर दिया। वो लेटर लिख कर जाती है मेरे डेथ के बाद ज्यादा गम में मत रहना, मैं जिंदा थी पर फिर भी मर चुकी थी। इसके बाद मूवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। सियोलो सुसाइड अटेम्प्ट से बच चुकी है। वो हमसे कहती है कि मैंने ट्राई किया जिंदा रहने का रीजन ढूंढने का। उसे बहुत सारे रीजन मिल गए। उसने अपने बारे में एक चीज नोटिस की, उसके रिलेशनशिप, उसका खुद का पेन, सिर्फ यही चीजें उसे डिफाइन नहीं कर सकती। वो एज अ पर्सन और भी बहुत सारी चीजें हैं। पेन हमेशा से रिलेटिव है। उसका दर्द कोई भी पर्सनली समझ नहीं सकता पर हर कोई इससे रिलेट कर सकता है, क्योंकि कभी ना कभी हम सब हमारी लाइफ में पागलों की तरह प्यार में थे। सियोलो ने अपने डिप्रेशन से ऊपर उठने की स्टोरी, अपने लाइफ के स्ट्रगल, इन सब की एक बुक लिखी। उसे हमेशा से ही राइटिंग में इंटरेस्ट था। यह हमारी स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी है। इसके बाद वो एक बड़ी ऑथर बनी। वो अब उसके थर्ड बुक पर काम कर रही है। वो सक्सेसफुल हुई और उसे अब 2 डॉटर्स है। वो अपनी लाइफ में हैप्पी है। अलेओ के साथ उसकी रिलेशनशिप टॉक्सिक थी, उसके लिए गलत था, पर जैसे सियोलो कहती है कि हम सब लोग कभी ना कभी पागलों की तरह प्यार में रहे हैं। यह उसका वही एक्सपीरियंस मूवी शेयर करती है। हमें होप देकर जाती है कि हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप के अलावा, हमारे पेन के अलावा और भी चीजें हैं जो हमें डिफाइन करती है। इस मैसेज के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं।